माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजलो करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये इस टाइम मॉर्निंग का टाइम है और अभी यहाँ से मैंने सोचा अपने ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बच्चों को उठाना है और स्कूल वगैरह भेजना है, तो आपके साथ पूरे दिन की एक्टिविटी शेयर करेंगे। चलें ब्लॉग स्टार्ट करें। अच्छा, आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि कौन कौन जो है वो रोटी बनाने से थकन महसूस करता है। अच्छा, मैं सारे दिन का सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन ख़ास तौर पे ना कुछ काम ऐसे हैं जिससे मैं एकदम से ना ज़्यादा जल्दी थक जाती हूँ और उकताहट महसूस करती हूँ, तो उसमें ये काम भी शामिल है कि गर्मियों में किचन में खड़े होकर रोटी बनाना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, लेकिन खैर बनाना तो पड़ता है, ये तो हम लोगों के रूटीन का काम। अभी इस टाइम मैंने आटा गूंथ लूँ क्योंकि सुबह के टाइम इतना टाइम नहीं होता। अभी स्कूल होंगे फिर सारा काम अकेले मैंने ही करना है मेंटेन, इस वजह से मैंने आटा वगैरह गूंथ के फारिग कर लूँ। किचन कर दिया वापस आ गई। और इस टाइम अब मैंने लोबिया चढ़ाया हुआ था तो इतनी पूरा दिन गुजर गया, बल्कि रात में भी हम लोगों की लाइट नहीं थी। आज बहुत डिफ़िकल्ट टाइम गुजरा है तो पसीने से तो मेरा बुरा ही हाल हो रहा है, लेकिन शुक्र है बाहर इस टाइम बादल हैं, बारिश भी हल्की हल्की हुई है, लेकिन अंदर आपको पता है इतना फ़र्क नहीं पड़ता, घुटन है मौसम ऐसा। तो लोबिया मैंने ये देखें गला लिया और अब ये इसका पानी निकाल दिया, अब इसे घी डाल के भून के फिर इसमें पानी डालते हैं। मसाले वगैरह डाल लिए, बस हो रहा है जल्दी से काम ख़त्म हो क्योंकि फ़ैन बंद करना पड़ता है। किचन में ही फ़ैन जो यहाँ पे लगा हुआ ना, बच्चे अभी स्कूल से आ गए, रज़ा और मैं साथ दोनों बैठ के पढ़ रहे हैं। अच्छा, आज इतनी गर्मी है ना, स्टिल आज पूरा दिन गुजर गया हम लोगों की लाइट नहीं है और इतनी गर्मी, मेरे फेस पर पसीना देखें कितना आ रहा है। बस कोई 10-15 मिनट आई होगी फिर लाइट चली जाती, फिर आती फिर चली जाती। खैर पूरा दिन हमारा ऐसे ही गुजरा और मैंने इस गर्मी में ना बस लाइट नहीं थी तो जल्दी से मैंने लोबिया का सालन बना लिया। तो अभी मैंने कहा चले अच्छा है जो काम हो जाए अच्छा है, क्योंकि फिर लाइट जलाने से फिर ये होता है कि फ़ैन नहीं हम लगा सकते ना किचन में, क्योंकि किचन भी है और वो हमारा टी वी लाउंज की तरह भी, वहाँ बच्चे बैठते हैं। मैंने कहा वो काम जो फ़ैन से रिलेटेड है वो पहले हो जाए। ये इस टाइम बच्चों को शाम के टाइम चिप्स खाने का मूड बना है तो मैंने कहा चले मैंने बना देती हूँ। ये देखिए जी, आलू मैं कटिंग कर रही हूँ। अभी इनकी न्यू बुक्स आई हैं, ये देखिए जी कटिंग कर रही हूँ आलू की। बस ऑयल गर्म होता है तो साथ ही डाल देते हैं। हालांकि मैंने लोबिया बनाया हुआ था, बस बच्चों का दिल नहीं कर रहा था, मम्मा नहीं इस टाइम हम चिप्स खाएंगे बस खाना नहीं खाएंगे, मैंने कहा चलो फिंगर चिप्स बना देती हूँ उनको। और अब इसमें डालते हैं, पीछे बंद करो बेटे, यहाँ से नहीं भरना बेटे, कूलर से भरना। जी आज रज़ा को और मैसा को बुक्स मिल गई हैं, ये देखिए जी अब रज़ा अपनी बुक्स कलेक्ट कर रहा है और माहा इनको पढ़ने के लिए बिठा दिया है, माहा ने आते ही स्कूल से। सही, माहा को टेंशन हो रही होती है मेरे छोटे बहन भाई जल्दी से अपना होमवर्क करने। रज़ा करो ना, आप छोड़ दो बुक्स को भी, पहले काम करो, सारा काम हो जाएगा फिर एक ही बार डालना बैग। और आज पूरा दिन लाइट नहीं थी, वहाँ स्कूल में भी नहीं थी लाइट, आज पूरा दिन गुजर गया, लाइट ने बहुत तंग किया हुआ था।
अच्छा ये इस टाइम शाम का टाइम है, और जैसे मैंने आपको बताया था हम लोगों ने लोबिया बनाया, लेकिन रात में बच्चे कह रहे हैं मामा नहीं दिल कर रहा ये खाने को, तो बाबा से फरमाइश की है, अभी हस्बैंड बाहर गए हैं, अभी पता नहीं है कि क्या लेके आते हैं, तो कहते हैं चले मैं बच्चों के लिए कोई चीज़ लेके आता हूँ, तो देखते हैं वो क्या लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे ना आपको पता है रूटीन के साथ वही खाने से ना रूटीन से खाना खाने से तो तंग पड़ जाते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है वो कुछ लेके आते हैं फिर शाम में वही खा लेंगे, तो वैसे भी इस गर्मी में मुझे रोटी नहीं बनानी पड़ेगी खड़े होके, किचन का काम बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ख़ास तौर पे हाउस वाइफ लेडीज़ को ज़्यादा पता है कि इस मौसम में किचन में चूल्हे के पास खड़ा होना कितना डिफ़िकल्ट है। और ये देखिए जी कामरान इस टाइम लेके आए हैं बच्चों के लिए बर्गर, बस इस टाइम दिल नहीं कर रहा था खाना खाने के साथ चटनी और साथ कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं। ये रजा का है, रजा पकड़ लो, ये इस्मा का बर्गर, मैं और आप एक ही जगह खा लेते हैं कमरान कमरान के साथ खाने का ये फ़ायदा होता है वोमन कमरान मेरे लिए छोड़ देते हैं ना, यही बात है ना, ये देखो चलो जी खाओ चटनी के साथ खा लो आज लगा। रुमैसा कैसा है बर्गर, टेस्टी है? रजा आप बताओ, महा महा ने भी टेस्ट ही नहीं किया। चलें जी अब मैं भी खाती हूँ मज़े का गरम गरम बर्गर है। एग वाला है कमरान? अच्छा तो व्यूअर्स इस टाइम मैं तमाम काम अपने घर का कंप्लीट करके तो अभी फारिग हुई हूँ, तो अब यहीं पर मैंने सोचा अपना ब्लॉग एंड कर देते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।